यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी कट ऑफ और लेखपाल की संशोधित कट ऑफ के लेकर दोस्तों यहां पर बड़ी सूचना आई है सामने, उसके बारे में चर्चा करें। उससे पहले दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के बेस्ट बुक के बारे में जो कि चच्चू प्रकाशन की। हम आपको बताना चाहते हैं यह बुक पूरी तरीके से नवीनतम पाठ्यक्रम पर तैयार की गई है और इसमें आपको 2200 से अधिक महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे और 2 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे जो 24/8/2021 की परीक्षा में पूछे गए थे। और सबसे बड़ी खासियत दोस्तों ये है कि यह पूरी पुस्तक आपकी नवीनतम पाठ्यक्रम पर तैयार की गई है और देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया गया है। पूरा सिलेबस दोस्तों एक ही बुक में मिल जाएगा। तो इस पुस्तक को आप लोग ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप लोग इसको ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों नजदीकी कॉपी किताब की दुकान पर मिल जाएगा। दोस्तों चक्षु प्रकाशन की गाइड भी आती है और प्रैक्टिस सेट भी आती है और बहुत सारी बुकें चक्षु प्रकाशन की आती हैं। अगर आप लोग इसको खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं और पूरी पुस्तक नवीनतम पाठ्यक्रम पर तैयार की गई है। आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से भी जाकर खरीद सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की पल पल की अपडेट चैनल के माध्यम से आप सभी को सूचित की जा रही। दोस्तों दो बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी को लेकर और आपके लेखपाल कट ऑफ को लेकर। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आपको सही एवं सटीक अपडेट प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा पीईटी कट ऑफ को लेकर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की परीक्षा चल रही है इसमें कट ऑफ को लेकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर इस बार कितना नंबर यहां पर आप लोग के लिए सेफ हो सकता है। तो देखिए, जब तक आयोग कुछ ना कुछ घोषित नहीं करेगा कि इतने नंबर पाने वाले ही मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, तब तक भैया 100 नंबर पाने वाला भी अपने आप को सिक्योर नहीं महसूस करेगा। तो जितने भी लोग नए पीटी वाले हैं, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो लेखपाल वाले अभ्यर्थी अभी लड़ रहे हैं उनके साथ आइए, क्योंकि अगर आप लोग साथ नहीं आए तो फिर आप परीक्षा देकर ऐसे घूमते रह जाओगे। ठीक है, जितने भी लोग हैं सबसे पहले मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो लोग पीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, पहले एक कॉमन कट ऑफ के लिए लड़ाई करिए। ठीक है, इन अभ्यर्थियों के साथ है ये जो कोर्ट गए हैं, जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो यहां पर लेखपाल के अभ्यर्थी है मैं उनको